हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब? कल्पन्स किचन में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे चावल की मीठी खीर। चावल की मीठी खीर हम ज़्यादा से ज़्यादा चतुर्थी में, दिवाली में हम बनाते हैं। अभी नागपंचमी आने वाली है तो हम प्रसाद के तौर पे वो खीर हम बनाते हैं और भगवान को चढ़ाते हैं। चावल की खीर बनाने के लिए ये वाटी मैंने भर के चावल धो के लिए हैं। मैंने चावल बारीक लिए हैं, स्टीम चावल आपको नहीं लेना है, बारीक चावल लेना है तो आपको जल्दी वो खीर बन जाती है, नहीं तो आपको टाइम लगता है। आधा लीटर मैंने दूध लिया है, उसको मलाई भी आई है। शक्कर ली है मैंने एक कटोरी, इलायची पाउडर लिया है, ड्राई फ्रूट लिया है और दो मैंने लौंग लिया है। गैस पर बर्तन चढ़ाएंगे। जिस कटोरी में मैंने चावल लिए थे उसी कटोरी में मैं दो कटोरी उसमें पानी डाल रही हूँ। अगर चाहिए तो हम थोड़ा बाद में ऐड करेंगे। इसको हम उबाल आने देंगे। अभी पानी को उबाल आ चुका है तो अब उसमें हम चावल डालेंगे। चावल मैंने बारीक सफ़ेद बारीक चावल लिए हैं मैंने, आप स्टीम चावल भी ले सकते हैं। ये धो के मैंने रखे थे, अब हम उसको पकने देंगे। अगर आप चाहिए तो गैस लो करके ढककर भी रख सकते हैं। अब हम उसको गैस थोड़ी धीमी करके उसको ढक के रखेंगे। तो चावल हमारे आधे पक चुके हैं। थोड़ा पानी उसमें कम हुआ है, मैं आधी कटोरी इसमें गर्म पानी ऐड करूंगी, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना। बीच बीच में हम गैस थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप स्टीम राइस लेते हैं तो पानी आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा, क्योंकि स्टीम चावल को पकने के लिए थोड़ी देर लगती है। तो इस स्टेज में हम उसमें ऐड करेंगे हल्दी का पत्ता। मैंने बोला नहीं था, हल्दी का पत्ता बाजार में मिलता है, वो डालने से खीर में अच्छी खुशबू आती है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसका ऐसा नॉक बना के उसमें छोड़ रही हूँ, ऐसा इसमें वो डालना है। गैस में धीमी कर रही हूँ। दो मैंने लौंग लिए हैं वो मैं डाल रही हूँ। मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं इधर, काजू किशमिश वो मैं डाल रही हूँ। और गैस मैंने धीमी करके रखी है, अब हम उसको थोड़ा और पकने देंगे। गैस मैंने धीमी रखी है। चावल अब पक चुके हैं। जो हल्दी का हमने पत्ता डाला था उसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ चुकी है, तो थोड़ा हम उसको पकने देंगे।
अब हमारे चावल अच्छी तरह से पक चुके हैं, ये देखो। इस स्टेज में हम उसमें दूध डालेंगे, उसमें थोड़ी मलाई भी है, उसमें मलाई भी है, वैसा ही हमें दूध डालना है। दूध मैंने गर्म ही डाला है, इसमें गर्म करके पहले रखा था। ऑलमोस्ट हमारी खीर अभी पक चुकी है, गैस थोड़ी तेज करेंगे और एक उबाल आने के लिए उसको छोड़ेंगे। गैस हम धीमी ही रखेंगे, बीच बीच में हम बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बढ़ाने से नीचे लग भी सकता है, इसलिए हम गैस धीमी रखेंगे। अभी इस स्टेज में हम उसमें शक्कर डालेंगे, आप शक्कर के बजाय मिल्क मेड भी डाल सकते हैं, क्योंकि अभी लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं, ज़्यादा शक्कर भी नहीं खाने के लिए सोच रहे हैं, तो आप शक्कर उनके हिसाब से डाल सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। गुड़ में भी आप बना सकते हैं, लेकिन टेस्ट उसका इतना अच्छा नहीं आएगा। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब उसमें हम इलायची पाउडर ऐड करेंगे, आपके स्वाद के अनुसार आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये पत्ता आप बाद में निकाल भी सकते हैं। अगर आप चाहिए तो उस पे ऊपर से आप देसी घी भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब हमारी खीर अब रेडी है, तो अब हम सर्व करेंगे। मैं थोड़ा देसी घी डाल के गार्निश कर रही हूँ और थोड़ा काजू उसमें गार्निश के लिए डाले हैं।